आज हम बात करेंगे जो अभी अभी आज रिजल्ट निकला है, सिक्स सेमेस्टर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो अंडर ग्रेजुएशन में था, नॉन सीबीएस बच्चों का। बेसिकली ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला है, ये उन बच्चों का रिजल्ट निकला है जिन बच्चों के सिक्स सेम मेन एग्ज़ाम जो हुए थे अप्रैल मई में, और उनका रिजल्ट जो जुलाई को निकला था, उनमें से जिन बच्चे पास नहीं हुए थे तो उनके फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुए थे, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बाद उनका ये रिज़ल्ट जो आज निकला है। तो बेसिकली ये जो सप्लीमेंट्री के बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट आज निकला, इनमें से कुछ बच्चों ने जो है रिवेलुएशन के फॉर्म भी फिल किए होंगे। वो तो डेफिनेटली है, जब जुलाई में रिज़ल्ट निकला था मेन, तो उस वक्त रिवेलुएशन और जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दोनों के फॉर्म एक साथ फिल हुए थे, और जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था वो बहुत जल्द शुरू हो गया था। आई थिंक 25 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, तो 10-15 दिन बाद ये हो गया था। इसलिए इस कंडीशन में उन बच्चों को अपना रिवल रिज़ल्ट का वेट नहीं करना पड़ा, और हर एक बच्चे को, जिस जिस बच्चे ने रिवल का फॉर्म फिल किया होगा, उसको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना ही था। वो इस कंडीशन से बाहर नहीं जा सकता था कि वो अपना रिवल रिज़ल्ट देखे और फिर वो जाके एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिल करे। अब जो है रिवल का रिज़ल्ट भी निकल चुका है और सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट भी जो है वो आज आ गया है। आप देख रहे हो सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट जो आज निकल गया है। तो इस रिज़ल्ट के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि इस रिज़ल्ट के साथ आपकी जो 6 सेमेस्टर या ग्रेजुएशन के कुछ फैक्ट्स जो है वो जुड़े होंगे कुछ बच्चों के लिए। सो इसमें जो है आपका रिज़ल्ट, आप देख सकते हो कि आपका जो रिज़ल्ट आया है ये 40% रिज़ल्ट आया हुआ है। एक्चुअली पास परसेंटेज 40% थी। 7,335 स्टूडेंट्स ने ये फिल किया था, जिसमें 299 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं, 40% रिज़ल्ट है। अब इस रिज़ल्ट के साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। कंडीशंस उन बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं जिन बच्चों ने रिवल का फॉर्म भी फिल किया था और एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भी फिल किया था, और आज रिज़ल्ट आया हुआ है। आज उनके पास सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट भी है और रिवल का रिज़ल्ट भी है। बेसिकली उनके पास तीन रिज़ल्ट होंगे, एक तो मेन रिज़ल्ट, पर मेन को रिज़ल्ट को क्या करना अब आप उन्होंने, क्योंकि मेन पास नहीं हुआ होगा तभी तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया है। अब इसमें चार कंडीशंस बन रही होंगी। पहली कंडीशन, ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो रिवल में एक पेपर जो था वो पास हो गया होगा, और उस उन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल किया होगा, और सेम वही पेपर आज जो रिज़ल्ट निकला सप्लीमेंट्री में वो पास नहीं हुआ। मतलब कि रिवल में आपका वो पेपर पास हो गया, लेकिन वही सेम पेपर जिसका आपने सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे वो पास नहीं है, तो इस कंडीशंस में आपका रिज़ल्ट क्या होगा? तो इस कंडीशंस में आपका रिज़ल्ट होगा जो रिवल में आपने पेपर पास कर लिया था वही आपका मेन रिज़ल्ट रहेगा। सप्लीमेंट्री में अगर वो सब्जेक्ट आपका फेल हो गया तो वो ख़त्म है, लेकिन फिर भी आपको अपना अपना मेन रिज़ल्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट, जो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर कराना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, अंडर ग्रेजुएशन सेक्शन में जाना है, अपनी सभी सेमेस्टर्स की जो 1 से लेकर 6 तक जो मार्कशीट है, पास पेपर्स वाली मार्कशीट, वो वहाँ पे जाके सबमिट करवानी है। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई पैसे नहीं लगेंगे, और अपना मेन रिज़ल्ट डिक्लेयर करवाना है। 6 सेमेस्टर का मेन रिज़ल्ट डिक्लेयर करवाओगे तो उस मार्कशीट पे आपकी जो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होती है उस पर सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स मेंशन हुए होते हैं, और वहाँ पे आपको अपना रिज़ल्ट, रियल वाला रिज़ल्ट डिक्लेयर करवाना है। तो ये घबराने की बात नहीं है कि अगर आपकी मार्कशीट पे ऐसे आ जाता है कि ये फेल है, ये सब्जेक्ट पास है, तो वो है, आप घबरा जाओगे। अगर वो पेपर किसी कंडीशन में पास है तो पास वाली मार्कशीट लेके जाओ, न्यू रिज़ल्ट बन के आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी कंडीशन ये हुई होगी कुछ बच्चों के साथ कि रीवल में वो पेपर नहीं पास होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री में वो पेपर पास हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो सप्लीमेंट्री में अगर पास हो गया तो वो पास वाला फाइनल देना जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जाना आपको भी पड़ेगा उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी जाके,
अपना रिज़ल्ट, न्यू रिज़ल्ट डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। अगर आपकी मार्कशीट आती है 6 सेमेस्टर की, वहाँ पे अगर सभी सेमेस्टर के रियल मार्क्स आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो घबराओ नहीं, यूनिवर्सिटी जाओ, अंडर ग्रेजुएशन सेक्शन में जाओ, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स दो, न्यू मार्कशीट बन के मिल जाएगी विद इन 1 या 2 वीक्स, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। थर्ड कंडीशन में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका रीवल में भी पेपर पास हो गया और आज जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उसमें भी वो पेपर पास हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे आइदर रीवल में या फिर सप्ली में, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में कंसीडर किए जाएंगे। हाईएस्ट मार्क्स को लिया जाएगा, लोएस्ट मार्क्स को नहीं लिया जाएगा। सेम आपको भी यही करना है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जिस जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो मार्कशीट वहाँ पे दे के अपना न्यू रिज़ल्ट बनाना पड़ेगा। तो जिस सिंपल सी बात है, जिसके हाईएस्ट होंगे जहाँ रीवल में उस पेपर के हाईएस्ट है या सप्ली में उस पेपर के हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट होंगे वही कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ कंडीशन ये आ जाती है कि रीवल में भी वो पेपर पास नहीं हुआ और सप्लीमेंट्री में भी वो पेपर पास नहीं हुआ, तो वो बच्चे क्या करेंगे? उन बच्चों के लिए ये कंडीशन है, अगर तो वो रिवेलेशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो रिवल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिवल के फॉर्म जो हैं वो 22nd से 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फिल होंगे, वो सब कुछ आपको पता है। 29th तक लास्ट डेट है, इसके अलावा 3 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1 नवंबर यानी 30th और 31st अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस एक्स्ट्रा दिनों में आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। एक कंडीशन और है, कुछ बच्चे रिवल का फॉर्म फिल करके बाई पोस्ट फॉर्म भेजते हैं यूनिवर्सिटी में, आप बाई पोस्ट फॉर्म भेज सकते हो, लेकिन जो टाइम है उस टाइम के दौरान ही आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहिए, यानी कि 29 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है। अगर बाई पोस्ट भेज रहे हो तो 29 तक आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी में पहुँचाना चाहिए, अगर 29 तक नहीं पहुँचता तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की नहीं है। पोस्ट ऑफिस वाले लेट वहाँ पे डिलीवर करते हैं या किसी वजह से लेट हो जाते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होगा, उसके आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैक्सिमम ये कोशिश करिए कि खुद बाई हैंड जाके यूनिवर्सिटी में ये फॉर्म सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। इसके बाद उन बच्चे जो हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म तो नेचुरली आपको भरना ही पड़ेगा, अब पास तो नहीं हुआ तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, तो सेम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल होगा, वो भी 22nd से स्टार्ट हो जाएगा फिल करने से, 22nd से, ठीक है। 15 डेज जो नॉर्मल फीस होती है, नेक्स्ट 15 डेज जो उससे एक्स्ट्रा फीस होती है, बाकी जो जो फीसेज होती हैं वो वही रहेंगी, कोई बढ़ेगी कम नहीं होगी, तो उनको ये अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ये है उन बच्चों के लिए कि अब उनके ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में होंगे, आपके जो जूनियर जो भी अब 6 सेमेस्टर में, अभी जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं तो वो 6 सेमेस्टर में जाएंगे, जब 6 सेमेस्टर में उनके एग्ज़ाम होंगे अप्रैल मई में, तभी आपके ये एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो रेगुलरली बच्चों के साथ आपके भी प्राइवेट बच्चों के एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे नेक्स्ट सेशन में, तो इसलिए अब उनको भी अपना फॉर्म फिल करना है। अच्छी मेहनत करो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, इसमें वो कोई चीज़ नहीं है। तो ये 4 जो कंडीशंस हैं वो बड़े सारे बच्चों के साथ हो रही होंगी और वो कंफ्यूज होंगे। मार्कशीट देख के घबराना नहीं कि यहाँ पे मैं पास था, अब यहाँ पे फेल लिखा गया है, या उस मार्कशीट में मैं पास हूँ इसमें मेरे को फेल हो रहा है। आपका रिज़ल्ट जो होता है वो सारा यूनिवर्सिटी के अंदर सेफ हुआ होता है, सेव होता है, तो वहाँ से वो कर लेते हैं फाइंड आउट, ठीक है। तो जो बच्चा पास होता है, जिसके जहाँ हाइस्ट मार्क्स होते हैं वही कंसिडर किए जाते हैं, तो ऐसा होगा। हाँ, अगर ये कंडीशन मैं और बता देता हूँ, रिवल का जो फॉर्म भरेंगे अभी सप्लीमेंट्री में, अगर तो आपका सप्लीमेंट्री में पेपर पास है और आप रिवल फिल करने जा रहे हो, और रिवल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल होगा, ठीक है। आइदर उस रिज़ल्ट से आपका पेपर पास होता है या फेल होता है, वो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। जिसका ऑलरेडी फेल है वो रिवल फिल करने जाएगा, उसके मार्क्स कम भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो पेपर वही करेगा, फेल का फेल ही रहेगा। लेकिन जो पास वाले जा रहे हैं, अगर पास के बाद अगर वो पेपर रिवल में जो फेल हो जाता है तो वो फिर फेल ही गिना जाएगा, और उससे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, अगले साल वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
सो पास बच्चे जो अगर रिवेल करने जा रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 29 मार्क्स आए होते हैं, पासिंग मार्क्स 29 होते हैं। एक्चुअली जो 29 मार्क्स आते हैं मैक्सिमम बच्चों के, वो ऐसा होता है कि शायद वो उनके वो 29 मार्क्स नहीं बनते होंगे, शायद 27 या 28 बनते होंगे, एग्जामिनर की ने किसी तरह से 29 किए होंगे। नेक्स्ट जब रिवल में चेक करने जाएगा वो शायद एग्जामिनर नहीं कर, वो 27 पे भी आपको रोक दे, 28 पे भी रोक दे। ऐसी सारी कंडीशनें हो जाती हैं कि बच्चा कहता है कि भाई वहाँ पे पास हो गया तो वहाँ पे क्यों नहीं पास हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको ही सोचनी पड़ेंगी कि रिवल के रिजल्ट का, जो रिवल का रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा। सो इतनी सी बात है, एनी कोई प्रॉब्लम मुझे बताना, ठीक है? तो अपना रिजल्ट निकाल लेना। ओके, थैंक्स।